अंकल हमें मिले हैं जो पहले देश के लिए सेवा कर चुके हैं, फौज में 3 युद्ध इन्होंने लड़े हैं देश के लिए। आज जब इनका दर्द सुना तो अंदर से आत्मा झिटूट जाती है। आप सबको रूप रूप कराते हैं अंकल जी, किस तरीके का आपको लगा डालाकोटी परिवार ने किस तरीके से आपकी जमीनों पर कब्जा किया, क्या मामला है पूरा सब बताइए। मैं गौरव सनैनी सुविधा विजय नारायण सिंह बोरा, ग्राम खेड़े में रहता हूँ। मैं सचिन गिल स्टेशन में 2 बार सचिन गिल स्टेशन में रहा हूँ। IIT वॉरफेयर स्कूल में मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, 5 साल तक रहा हूँ। और सिक्किम की नौकरी कर रखी है मैंने, और अधिकांश समय CISF में, यानी कि यहाँ श्रीनगर में रहा हूँ। अब जब मैं 2005 में घर आया तो घर आने के बाद मैं देश की सेवा तो इतने बखूबी से करें, लेकिन अपनी घर की सेवा, अपनी ज़मीन की सेवा नहीं कर सका। मुझे यहाँ पर एक किरण डालाकोटी नाम का एक व्यक्ति है यहाँ पर, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, कांग्रेस से संबंधित रखता है, इसने हमारी ज़मीन को कब्जाने के शुरू करे। हमारे भाई वहाँ आपस में फूट डाल करके इसने 2 भाई 3 भाई को हमारे एक तरफ ले लिया और मुझे अलग ले लिया, मुझको अलग छोड़ दिया ने। और हमें बोले कि जब तुम्हारे विनीति ज़मीन का विनीतिकरण करने के लिए सारा काम मैं करूँगा, और हमारे भाभी से के और भाई से दोनों से चुपचाप हमें मुझे बिना इतना कि इनने ज़मीन खरीद ली, उन्हें 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर, जबकि ज़मीन को उस ज़मीन को बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन वर्ग 4 और वर्ग 6 में है। वर्ग 4 की और वर्ग 6 की ज़मीन को न बेचने का अधिकार है, न लेने का अधिकार है, न उसको खरीदने का अधिकार है। लेकिन इसने कैसे खरीद लिया उस ज़मीन को, तब मैं इससे लड़ रहा हूँ और ताकि ये हमारी ज़मीन बच जाए। और इसने मुझे यहाँ तक की धमकी दी कि जब मैं सत्ता पर आ जाऊँगा तो मैं तुम्हारे मकान में जीसीबी मशीन से उखाड़ के तुम्हारे मकान में बच जाऊँ। तो इसलिए मैं इससे परेशान हूँ, और मैं ही नहीं, गांव के और भी लोग भी परेशान हैं, मुझे ज्ञात है जहाँ तक का, लेकिन ये इतना दबंग आदमी है तो मैं ये सोचता हूँ कि इसके लिए मुझे कोई न्याय देना है, ताकि मेरा भी बेटा यानी फौज से रिटायरमेंट हुआ है और एक बेटा मेरा घर पर है, तो हमें इससे जान माल का भी खतरा रहता है हमेशा, पता नहीं कब क्या करते। और हमारे बगल पर इन्हें मकान के ऊपर कब्जा करके, हमारे भाभी के मकान पर कब्जा करके, बिजली का बिल और पानी का बिल जिसने अपने नाम पर किराया नाम पकड़ के, इतना बड़ा नेता होने के बाद भी वहाँ पर किराए में कैसे रहता, मेरे समझ में ये नहीं है। दूसरी बात, इसने मेरे दोनों भाइयों को, मतलब उनकी ज़मीन को ले करके, और हमें पता नहीं है उस बारे में, तो कम से कम उस ज़मीन के बारे में हमें भी तो पता होना चाहिए कि ये ज़मीन को खरीद रहा है कि खरीदोस्त करवा करके। और आज उस ज़मीन के ऊपर ये यानी कि वो यानी वहाँ पर बॉडी मेकर की दुकान बना रखा है उसने, और हमने इसको बोला भी, भाई तुम इसको अभी जब तक हमारे कूड़े भटोरे रहते भटोरे नहीं जाते तब तक तुम कुछ मत करा, लेकिन इसने फिर भी वहाँ पर दुकान लगा रखी। अच्छा, अब उनकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरी है, और निर्दलीय तौर पर मैदान में। ये आपने कहा कांग्रेस पार्टी में जब तक नेता थे उनका टिकट हुआ था, कटा, खुद मैदान में आई। अब वो लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं नारी को सम्मान, नारी का अपमान हुआ है, इस तरीके की बातें वो लोग जो कर रहे हैं। और आपने एक और बताया कि आपके घर पर भी कब्जा किया हुआ है, आपके जो भाई हैं उनके भाई साहब के घर पर भी कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने। बिल्कुल कब्जा किया है इसने। और नारी सम्मान तो कहाँ से, नारी सम्मान ये अगर नारी सम्मान नहीं तो इनके ऊपर नारी सम्मान कहाँ से, कहाँ की बात होती है। जब ये नारी सम्मान को अगर बोलते कि हमें नारी सम्मान मिले तो यहाँ पर गांव में तो कितनों के इन्होंने नारी के बीच में यानी उनकी ज़मीन को हड़पा है, तो उनकी नारी सम्मान की बात क्यों नहीं करते हैं। अच्छा, फिलहाल आपने इस वाक्य को लेकर कहाँ कहाँ तक आवाज़ उठाई है, कहाँ कहाँ तक आप गए और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। मैं तहसीलदार SDM साहब और DM साहब तक गया हूँ, इससे आगे तो मैं कहीं नहीं गया हूँ बेटा। लेकिन अभी अगर मेरे ऊपर अगर फिर भी अगर ये सवाल ही रहता तो फिर मुझे आगे अपने जो मेडल में लेके आए उन मेडल को जमा कर दूँगा अपने देश के, मतलब अपने मेडल को मैं DM साहब के यहाँ जमा कर दूँगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे क्या चाहिए वो मेडल। अगर मैं आज तक मैंने देश की सेवा करी और आज मैं घर आ करके मैं अपनी सेवा नहीं कर पा रहा, अपनी ज़मीन की सेवा नहीं कर रहा, अपने बच्चों की सेवा नहीं कर पा रहा, तो मुझे क्या चाहिए वो मेडल। तो ध्यान से देखेगा आप सभी दर्शक, जो बात अंकल ने कही है वो काफ़ी गंभीर बात है। एक सेना में अपनी पूरी लाइफ देने वाले व्यक्ति जब ये बात कहते हैं कि यदि मुझे न्याय ना मिला तो मैं अपने मेडल BDM के यहाँ जमा करने को तैयार हूँ, तो जरा समझिए इस पीड़ा को, इस दर्द को। और आज वही लोग प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं। मुझे इस मामले में कोई कहता नहीं थी, जब मैं पहुँचा खेड़ा में
ये जांचने के लिए कि आखिर स्थिति क्या है चुनाव की और क्या माहौल चल रहा है। लेकिन जब अगर पता चला तो जो प्रत्याशी हैं वही लिप्त हैं, उन्हीं के हाथ लिप्त हैं। किस तरीके का माहौल है आप खुद आंकलन लगा सकते हैं।